अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, तमाम मुतालबात मंजूर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता था कि आज फेडरल बोर्ड स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है एफबाइस के हेडक्वार्टर के सामने और स्टूडेंट ने अपने कुछ मुतालबात पेश किए हैं। इन मुतालबात में सबसे पहले अपने जो HSSC पार्ट वन एंड पार्ट टू के पेपर्स थे उनकी रीचेकिंग के लिए फ्री अप्लाई करना था और साथ ही डॉन न्यूज़पेपर की जानब से एक आर्टिकल शाया किया गया था जिसमें ये दावा किया गया था कि जो HSSC की जो आंसर शीट है वो गुम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा तादाद में जो आंसर शीट थी वो गायब होने का इंकशाफ किया गया था। स्टूडेंट की जानब से ये दो मुतालबात सामने रखे गए हैं कि एक तो पेपर्स की रीचेकिंग करवाई जाए और जो आंसर शीट है वो भी स्टूडेंट को दिखाई जाए कि स्टूडेंट की जो आंसर शीट है वो किस तरीके से चेक हुई है। आपको यहाँ पे HSSC की जो डिमांड्स थी उनके हवाले से Fbise ने जो नोटिस जारी किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम इस डिटेल को पढ़ें तो इस डिटेल के मुताबिक इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड लिस्ट गिवन बाय द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट एक्शन कमेटी ऑन 28/8/2024 द अंडरसाइंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इशूड दैट Fbise shall ensure all fairness in evaluating, removing the reservation of students and their parents. मतलब Fbise ने इस नोटिस में इंश्योर करवाया है कि जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो भी स्टूडेंट्स के कंसर्न है, उन तमाम को अंडरस्टैंड किया जाएगा, उन तमाम को रिकंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें, एनी स्टूडेंट इफ़ डिससेटिस्फाई आफ्टर रीचेकिंग ऑफ हर पेपर रिक्वेस्ट तो विल बी शोन हर आंसर स्क्रिप्ट। अगर स्टूडेंट रीचेकिंग के बाद भी अपने पेपर से डिससेटिस्फाई है तो स्टूडेंट को उसकी आंसर स्क्रिप्ट भी दिखाई जाएगी। ड्यूरिंग डिस्कशन स्टूडेंट्स शोन सेटिस्फेक्शन ऑन द ई मार्किंग सिस्टम। डिस्कशन के दौरान ई मार्किंग सिस्टम पे सेटिस्फेक्शन भी शो की गई है एंड इन डेप्थ इंक्वायरी विल बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट एंड रिगार्ड टू डॉन न्यूज़। और डॉन न्यूज़ के हवाले से जो आंसर शीट गायब होने का दावा किया गया था उस पे भी इंक्वायरी की जाएगी। तो अभी तक की अपडेट के मुताबिक स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके बहुत अच्छे नतज आ रहे हैं। फाइनली Fbise ने स्टूडेंट के तमाम मुतालबात को मान लिया है और स्टूडेंट के जो पेपर्स हैं उनकी रीचेकिंग करवाई जाएगी। जो डॉन न्यूज़ ने अपने आर्टिकल में शाया किया था कि बहुत से ज्यादा आंसर शीट जो थी गुम हो चुकी हैं उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। तो ये एक न्यू अपडेट है स्टूडेंट जो कि आपके साथ यहाँ पे शेयर की जा रही है। ऐसी बहुत सी न्यू अपडेट्स को जानने के लिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्जाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।